हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आज मैं बात करूंगा अभी जो विवादित कानून आया है उसके बारे में। बहुत ही डिस्प्यूट और अनरेस्ट का माहौल है देश में। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही वायलेंट हो गए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा संयम बरतने की आवश्यकता है, ऐसी मैं अपील करता हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं। इसके बारे में पहले भी मैं बोल चुका हूं, लेकिन लोग, स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो कानून जानना चाहते हैं उनके मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर CAA और CAB में क्या डिफरेंस है बताइए। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि CAB और NRC में क्या डिफरेंस है। तो तीन तरह के शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं आजकल। एक है CAA, जिसका फुल फॉर्म होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक है CAB, जिसका मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और एक है NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है या क्या इनका आपस में कोई संबंध भी है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और देश के नागरिक होने के नाते आपको इसे जानना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हैं तो इसे आपको जानना चाहिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपको जानना ही चाहिए। तो इन बातों को आप समझें आज के इस ब्रीफ लेक्चर में, और किसी भी तरह के सकारात्मक बहस में आप शामिल हों, चर्चा का पार्ट बनें और एक सकारात्मक दिशा में देश को ले जाएं। तो आइए जुड़िए मुझसे और जानिए CAA, CAB और NRC के बारे में। नागरिकता संशोधन बिल, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, यह लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया था। 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए इस पर और यह एक कानून बन गया और अब इसका नाम हो गया नागरिकता संशोधन एक्ट। तो जब कभी कोई कानून का ड्राफ्ट तैयार होता है वो बिल कहलाता है। ड्राफ्ट जैसे ही तैयार हो गया मसौदा, और जैसे ही इसे संसद के सामने रखा जाएगा ये हो जाएगा बिल। सबसे पहले CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन जो विधेयक है, ये प्रस्तुत किया गया था 2016 में भारत की संसद में। ये अमेंडमेंट बिल क्यों है इसके बारे में बता दूं, क्योंकि पहले से इस पर एक कानून है, वो है 1955 का, 1955 का है नागरिकता अधिनियम। उसमें संशोधन किए गए, उसमें कुछ बदलाव किए गए। बदलाव करने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया, इस ड्राफ्ट को जब संसद के सामने रखा गया तो ये बन गया CAB। लेकिन जैसे ही ये संसद से पारित हुआ 12 दिसंबर के दिन, जैसे इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, ये बन गया CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस कानून का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो अब CAB पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, अब CAA पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कानून बन गया है तो अब बिल का कोई वजूद नहीं रह गया। इस बात को ध्यान से समझिए। तो जो लोग CAB पर बहस कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि अब ये CAA हो गया है। कुछ और बातों को समझते हैं स्लाइड्स में। तो ये जो कानून है इसका उद्देश्य क्या है, देखें, इसका उद्देश्य है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रही है या हुई है, और जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में आ गए हैं और जिनको वहाँ से प्रताड़ित करके भगाया गया है, उनको सिटीजनशिप या नागरिकता देने के संबंध में इसमें प्रावधान है। तो अभी आपने बहुत ब्रीफ में समझा कि CAA, CAB में क्या अंतर है और साथ ही CAA का उद्देश्य क्या है। अब देखते हैं NRC क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या सिटीजन्स जो है, ये भारतीय नागरिकों के नाम वाला एक रजिस्टर है। विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में इससे अपडेट किया गया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 1971 के बांग्लादेशी युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश किया था, और NRC के अनुसार केवल वे व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 से पहले आसाम के नागरिक थे या उनके पूर्वज आसाम के थे, उन्हें ही भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, देखें, असम के नागरिकों का दावा है कि बांग्लादेशी प्रवासियों ने उनके अधिकारों को लूट लिया है और वे राज्य में हो रहे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, इसीलिए इन शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया जाना चाहिए। असम में NRC अपडेट करने का मूल उद्देश्य वहाँ जो घुसपैठिए हैं, विदेशी नागरिक हैं, और जो भारतीय नागरिक हैं उनमें पहचान करना है और घुसपैठियों को बाहर निकालना है। तो अब आपने समझा कि NRC क्या है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि NRC केवल आसाम में लागू हुआ है और ये भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में लागू हुआ है। NRC पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, जबकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पूरे देश में लागू हुआ है। आइए समझते हैं मूल अंतर क्या है इन दोनों में। स्लाइड्स में आप देखें और चीजों को समझते और नोट डाउन करते जाएं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि NRC में भारत में घुसने वाले विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात है।
अर्थात विदेशी घुसपैठियों की नागरिकता छीनी जाएगी इस कानून से या इस रजिस्टर के माध्यम से, जबकि CAA के माध्यम से विदेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। NRC के माध्यम से उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो 24 मार्च 1971 को या फिर इससे पहले भारत के नागरिक हैं, जबकि CAA में उन लोगों को नागरिकता दी जाने की बात है जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आए थे। NRC का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात जो कोई भी विदेशी है जिसने घुसपैठ किया है उसे देश छोड़कर जाना होगा, उसे बाहर किया जाएगा जिसका नाम इस रजिस्टर में नहीं होगा। लेकिन CAA ये कहता है कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, रिलीजियस प्रसिक्यूशन जिनके साथ में हुआ है, उन लोगों को देश में नागरिकता दी जाएगी, तो इसका संबंध धर्म से है, धार्मिक प्रताड़ना से है। और वो भी कौन से देश में? ये देश हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मतलब ये कानून उन देशों से जो अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ित हैं उनको देश में नागरिकता देने की बात कर रहा है। इसका भारत के जो मुसलमान हैं या भारत के जो नागरिक हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अगला अंतर देखें। जो चौथा मुख्य अंतर है वो ये है कि NRC मुख्य रूप से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए लागू किया गया है, जबकि CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। पांचवीं बात यह है कि NRC अभी केवल आसाम में लागू है, जबकि CAA के प्रावधान पूरे देश में लागू हैं। फिर एक बात और जानने की ज़रूरत है कि NRC का विरोध लगभग आसाम में रहने वाला प्रत्येक जो वहाँ का सिटीज़न है, जो वहाँ का नागरिक है, जो वहाँ के सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि CAA का विरोध मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो अभी आपने इस ब्रीफ लेक्चर में समझा CAA, CAB और NRC में मुख्य रूप से क्या अंतर है, और आपको एक छोटी सी इनसाइट मिला होगा, एक जानकारी मिली होगी इन तीन तरह की शब्दावलियों के बारे में। तो कुछ और आप जानना पूछना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करना, फॉलो करना न भूलें। कुछ और आप जानना पूछना चाहते हैं तो संयत शब्दों के साथ ज़रूर लिखें। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ये मूल अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। शांतिपूर्ण सभा करें, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद का साथ न दें और न ही उसका पक्ष बने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।